कमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो एकदम अलग वीडियो है। आज की जो वीडियो है वो है एक शॉपिंग हॉल वीडियो। आज मैं आपसे मैंने अभी रिसेंटली कुछ शॉपिंग की थी नायका से, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें मैंने शॉपिंग की है वो शेयर की जाए और एक शॉपिंग हॉल एक वीडियो उस पर बनाई जाए। तो आज की वीडियो उसी पर ही है। सो वीडियो शुरू स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर यहाँ स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा शॉपिंग बैग नायका का जो मैंने अभी रिसेंटली शॉपिंग की है नायका से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए नायका हॉल, अपना शॉपिंग हॉल जिसमें कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो, अपने हेयर्स पे क्या करते हो, अपने स्किन पे क्या यूज़ करते हो। हाँ, बट आज हेयर से रिलेटेड कुछ मैंने नहीं मंगाया है, बट आपको अगर कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी आपके क्वेश्चन का या जो भी क्वेरीज है। तो ये है मेरा शॉपिंग बैग जिसे अब मैं आपके सामने खोलती हूँ। बट हाँ, मैंने थोड़ी चीटिंग की है, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं और आज अप्लाई कर भी रखे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं उसके ऊपर मैं मेकअप वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो इससे रिलेटेड ही बनाऊँगी मेकअप वीडियो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये मामा अर्थ की अनड्राई क्रीम। तो अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में भी बताया कि आई हैव डार्क सर्किल प्रॉब्लम। मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब हल्के फुल्के या बहुत बार ज़्यादा भी हो जाते हैं और अब तो बहुत ज़्यादा रहने लगे क्योंकि मैं यूट्यूब पर रेगुलर हूँ और फ़ोन पर और लैपटॉप पर आपको पता है काम करते रहना पड़ता है तो आईज़ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आई की केयर ज़रूर करें। एंड सीरियसली ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और अगर कि आपको डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है, पफिनेस की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में थकान रहती है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन टाइप मेरी तरह है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और मेरी जो आईज़ है बहुत ऑयली रहती है, तो अगर आपकी स्किन भी इस टाइप की है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन पे इसने बहुत अच्छा वर्क किया है और जब से मैं इसे यूज़ करने लगी हूँ 3-4 दिन में ही फ़र्क दिखने लगा मुझे। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया वो है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नायका की नहीं है, मतलब मैंने अमेजन फ्लिपकार्ट से भी की थी बट मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। जैसे कि ये है, ये मैंने अमेजन से परचेज़ की है, ब्रशेस, मेकअप ब्रशेज़ हैं ये। एंड सी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं ये। मैं आपकी पैकेजिंग ऐसी है और इस तरीके से ये फोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ब्रशेज़ की क्वालिटी दिखाती हूँ, देखिए सी, इतनी अच्छी इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूद है, स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, क्यों, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है गाइस। तो नेक्स्ट बारी आती है आईब्रो किट की, ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का, इसके भी मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू पढ़े थे और बहुत ही अच्छी ये आईब्रो किट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये भी। इसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगी, आप चेक कर लेना। इस तरीके से ये ओपन होता है, इसके साथ आपको ये प्लकर मिलता है, कोई इसके साथ एक ये ब्रश मिलती है, आईब्रो ब्रश, अच्छी है, छोटी सी है और बहुत ही इजी है इसे यूज़ करना। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है ये लिपस्टिक, मतलब मैं कब से ये परचेज करना चाह रही थी। ये जो शेड है पर्टिकुलर, इसमें और भी शेड है मेरे पास इस लिपस्टिक के, रेड कलर में भी है, बट मैं ये शेड बहुत टाइम से परचेस करना चाह रही थी। और ये लिपस्टिक सीरियसली बहुत अच्छी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जो कि हम जो मेरी ब्लॉग था अभी जो मैंने रिसेंटली डाला था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ब्लॉग था वो, उसमें मैंने यही लिपस्टिक वेयर की हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब न्यूड लिपस्टिक है, न्यूड पीच न्यूड टाइप है ये। अभी मैं आपको इसका स्वॉच करके भी दिखा दूंगी। तो
ये जो मेरे दिख रहा है ना आपको कैमरे पे एग्जैक्ट वही शेड है, ये सेम वही शेड है। तो नेक्स्ट जो है वो है ये शुगर का ब्लश। शुगर का ब्लश इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज मैंने पढ़े हैं और आज भी मैंने यही लगाया हुआ है। तो इस तरह की ये ब्लश है और ये जो ब्लश है ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा पिंक शेड है इसका। और एक बार में ना मुझे तो एक बार में इसका मतलब पिगमेंटेशन अच्छी है बट एक बार में उतना रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैं इसको 2-3 बार अप्लाई करती हूँ तब जाके। तो ये है इसका, ये पिंक कलर है। तो इसका शेड है 02। ओके, तब नेक्स्ट बारी आती है इस कॉन्टोर स्टिक की। ये भी मुझे बहुत टाइम से लेना था, इससे पहले आपने मुझे देखा होगा, आप जब भी मेरी मेकअप वीडियोस देखते हैं, मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो कि मैं मोस्टली जो भी कॉन्टोरिंग करती थी वो मेरा जो आई शेडो पैलेट होता है वो उसी से करती थी। वैसे मेरा मानना भी है कि जब भी आप कोई चीज़ लो ना तो ऐसी लो जो मल्टीपर्पज़ हो। तो मेनली मेरे पास जो भी 2-3 पैलेट हैं, आई शेडो पैलेट या ब्लश पैलेट, तो उनमें कॉन्टोरिंग के भी शेड हैं, उनसे आप अपनी आईब्रो भी सेट कर सकते हो, कॉन्टोर भी कर सकते हो, ब्लश भी हैं, तो मल्टीपर्पज़ है। तो हमेशा वैसे ही मेरे, अगर आप बिगनर्स हो तो हमेशा ऐसे पैलेट लो जिसमें मल्टीपल चीज़ें हों, कॉन्टोर भी कर सकते हो, हाईलाइटर भी हो उसमें। तो मेरे पास मेनली ऐसी पैलेट है, आज मैंने उसी से कॉन्टोरिंग की, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये ब्रॉन्जिंग का भी काम करती है। तो ये इस तरह के पैकेजिंग में आती है, पेंसिल टाइप है ये, इस तरीके से शार्प करना होता है। तो शार्प की इसकी थोड़ी झंझट है, इसका जो शेड है वो यहाँ लिखा होता है। ये मेरा जो शेड है मैंने मंगाया वो मीडियम शेड है, उसका नाम है कैरेमल फोकस। जो मैंने मेरा ही शेड है कैरेमल फोकस है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले। मेरा जो स्किन टोन है वो मीडियम है, ना डार्क ना लाइट, तो उस उन लोगों के लिए कैरमल फोकस अच्छा शेड है, अच्छी ये कॉन्टोरिंग स्टिक है, आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये ग्लिटर आई शेडो, लिक्विड ग्लिटर आई शेडो। एंड सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने नायका से नहीं मंगाया क्योंकि नायका से बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कम से कम 6-7 महीने हो गए जब से मैं इसे देख रही हूँ, आउट ऑफ स्टॉक है। सिर्फ एक येलो शेड है इसमें जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो येलो कलर मत लेना, मैं पहले सजेस्ट कर रही हूँ। और ये जो मैंने किया है शेड, इसका नाम है शैम्पेन शेड और 03, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। अभी आप देख सकते हैं आज मैंने अपनी आईज पे यही अप्लाई किया हुआ, कितना अच्छा लुक दे रहा है। आपको जस्ट थोड़ा सा लगाना, डैप डैप करना अपनी फिंगर से। अब देख सकते हैं इस तरीके का ये शेड है, हाय बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है ये, मतलब बता नहीं स्विस ब्यूटी का, सॉरी जो मेन था वो बताया नहीं एक्साइटमेंट में। तो ये है स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो। ओके, तो नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है, आप लोग कहोगे कितनी परचेसिंग की है इसने, तो नेक्स्ट जो परचेस किया है वो है ये कंसीलर। ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, इससे पहले जो मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ वो है मेरे पास एक्चुअली ये एले गर्ल का है, एले गर्ल का प्रो कंसीलर, और इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे शेड्स हैं इसके कंसीलर के और बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, हर स्किन करेक्टर ही है इसका। मैंने अपनी बहुत सारी मेकअप वीडियोज़ में बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको मैं दे दूँगी, मेकअप वीडियो जिसमें यूज़ किया है मैंने यहाँ ऊपर। तो ये है इसका शेड है प्योर पेज, और ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, इसलिए मैंने और आज मैंने इसे अप्लाई भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल ही मेरे अंडर आई को, जो अंडर आईज थी उनको हाइड करती है, डार्क सर्कल्स को। तो ये बहुत ही अच्छा, और इसका जो प्राइस और जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये मैंने नायका से परचेस किया था। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है इसकी, ये रेज़र, ये छोटा सा आप देख सकते हैं फेस रेज़र है ये। आप लोगों को अगर इसके बारे में नहीं पता है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका रिव्यू देखना चाहते हैं कैसे इसे यूज़ करते हैं, फेस रेज़र है, फेस पे यूज़ करते हैं, तो इसका मैं रिव्यू आपको डेफिनेटली दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। तो इससे मैं अभी आपको बता था लॉकडाउन था तो हम पार्लर या कहीं जा तो सकते नहीं, तो इससे हम इजीली अपनी अपने फेस जो फेशियल हेयर्स होते हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होती है, अच्छे से सब हो जाता है। तो ये आपकी थ्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो मैं ये अभी कुछ टाइम से यूज़ करने लगी हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है ये। और आई थिंक मुझे ध्यान नहीं किस कंपनी का है इसका लिंक, ये भी मैंने नायका से मंगाया, तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन चेक। सो
लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है माई फेवरेट ये है आई शेडो पैलेट जो कि मुझे बहुत टाइम से लेना था। इससे पहले भी मेरे पास आई शेडो पैलेट है बट मेकअप रेवोल्यूशन का नहीं है क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं मेकअप में भी न्यू हूँ और ट्राई करती रहती हूँ नए नए मेकअप लुक्स तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं सपोर्ट भी करते हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और इस पैलेट का नाम है क्रिएटिव वॉल्यूम 1। ये इस पर नहीं लिखा हुआ है बट इसकी जो पैकेजिंग है ना इस पर लिखा हुआ है क्रिएटिव वॉल्यूम 1 ठीक है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको परचेस किया है क्योंकि पर्पल पे बहुत बार क्या होता है आपको अच्छी डील मिल जाती है। एंड सॉरी इसे भी मैंने थोड़ा चीट किया है, इसे भी मैंने आज अपनी आईज पे आप देख सकते हैं जितने भी कलर्स हैं उसी के हैं, काफ़ी अच्छा है पिगमेंटेड है बट मेरी आईज पे उतना पिगमेंटेड नहीं था जितना मुझे चाहिए था। देख सकते हैं इसमें साथ में ये मिरर है, आप जब भी मेकअप करें आई मेकअप या कोई भी मेकअप लुक तो आसानी से देख सकते हैं इसमें अपने फेस को। और आई थिंक ये है मेरे ख्याल से 950 समथिंग का है, 950 का, बट पर्पल पे मुझे आई थिंक 750 का या कुछ मिला तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया इसे। अपन को तो सस्ते में लेना आप कहीं से भी लो क्या फ़र्क पड़ता है, पर ओरिजिनल होना चाहिए तो पर्पल पे भी अच्छी डील मिल जाती है और जो आपका प्रोडक्ट है वो भी ओरिजिनल ही होता है। मैंने बहुत बार चीज़ें मंगाई हैं तो ये मैंने पर्पल से लिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी मैं। था मेरा शॉपिंग हॉल जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझे पर्सनली मेरी लाइफ से रिलेटेड मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूँगी इंस्टाग्राम का, और या स्क्रीन पर भी मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेंशन कर दूँगी सो यू कैन चेक और आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कोई शॉपिंग हॉल किया है और आगे ऐसी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, खमागनी।